श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 102। तो देखते हैं आज के इस वॉल्यूम में आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। यहाँ पर आपके पास हैं दो ऑप्शंस, एक है ये पिंक फ्लावर और एक है ये रोज पेटल्स। इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। तो ये आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है पिंक फ्लावर को उनके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 102। इन द मीन टाइम आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। एक रेड बॉक्स है उस पर आप क्लिक करें और फिर एक बेल आएगी, उस बेल पर आप ऑल पर क्लिक करें तभी आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं क्या संदेश है। द स्ट्रेंथ आया है आपके लिए और आया है क्वीन ऑफ कप्स। यहां पर हम एक कार्ड और निकालेंगे, दी एम्परर। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो यहाँ पर एक एम्परर की तरह है और आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हैं। तो यहाँ ये आपकी फैमिली को दिखा रहा है और यहाँ स्ट्रेंथ आ रही है आपकी फैमिली में। आपके जो भी पार्टनर है वो यहाँ पर एक एरीज एनर्जी में है, एरीज सेजिटेरियस एंड लियो, और आप यहाँ वाटर एनर्जी में हैं। दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग हैं अपने अपने डेजिग्नेशंस पर, अपने अपने ऑफिस में जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग हैं। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आप घर को बहुत अच्छा मेंटेन करती हैं, घर में आपकी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। और वैसे ही आपके जो हस्बैंड अगर वो बिजनेस करते हैं वहाँ पर भी उनको बहुत प्रमोशन मिलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स का। तो आप दोनों को ही बहुत सारी स्ट्रेंथ है और स्पेशली ये कपल्स के लिए ही मैसेज आ रहा है यहाँ पर। चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों ही बहुत कामयाब होने वाले हैं आने वाले समय में। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस आई है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर कोई एक पर्सन और आप लोगों को यहाँ पर सही रास्ता दिखाएगा। यहाँ पर आपको कोई पर्सन है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि जो हाई प्रिस्टेस है इसके पास बहुत नॉलेज है। आप देख सकते हैं एक बुक है इसके पास और ये जो बुक है ये नॉलेज की बुक है और अबेंडेंस है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ बहुत सारे पोमग्रेनेट दिख रहे हैं, अनार दिख रहे हैं। यहाँ पर ये प्रोग्रेस को दिखाते हैं, सक्सेस को दिखाते हैं, नॉलेज को दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कोई ना कोई है जो आपको यहाँ पर रास्ता दिखाएगा। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को भेजेगा जो आप दोनों को यहाँ हेल्प करेगा आपकी डेस्टिनी तक, आपके टारगेट तक पहुँचने के लिए। कामयाबी में आपको मदद करेंगे कुछ लोग, और कुछ लोगों में भी कह सकते हैं ये जो हाई प्रिस्टेस है, जो ये फीमेल यहाँ दिख रही है, नॉलेजेबल पर्सन है, ये आपको हेल्प करेंगी, एक सही रास्ता दिखाएंगी। जैसे ये हर्मिट है यहाँ पर आप देखें एक लैंप से आगे का रास्ता आपको दिखा रहा है। यही मैसेज है यूनिवर्स का, घुमा फिरा के वही मैसेज आ रहा है कि आपको और आपके पार्टनर को आने वाले समय में मेजर सक्सेस मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप दोनों के फेवर में होंगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रमोशन मिले। और आपकी वाइफ भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं, आपके पार्टनर भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड तो यहाँ पर है ही। तो यही मैसेज है आपके लिए कि आने वाले समय में जो भी कपल्स हैं, चाहे रिलेशनशिप में हैं चाहे आप मैरिड हैं, तो यहाँ पर आप सब जो हैं आपको यहाँ पर आने वाले समय में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं और कामयाबी आपको मिलेगी डेफिनेटली। तो अभी हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों इस समय, आपस में हल्की फुल्की लड़ाइयाँ हो, पैसे को लेकर भी हो सकती है, या आपके ऑफिस में भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्रमोशन को लेकर। लेकिन अच्छा होगा आगे चल के, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपके लिए। तो यही आपके लिए मैसेज है। आप देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था रोज पेटल्स को उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 102। मैसेज थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में करना चाहते हैं।
नाइट ऑफ कप्स आ रहा है आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर के, तो आप यहाँ पर यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, आप यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मुझे ये कंपनी अपनी खुद की ओपन करनी है, मुझे ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से शादी करनी है, मुझे कोई ऐसी चीज़ है जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं लगातार। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसको आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, और वो यहाँ पर आपकी लाइफ में दिख रहा है, यहाँ पर रोजेस हैं, वो आ रहा है आपकी तरफ, पर यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है इस पर्सन को आप तक पहुँचने के लिए, या फिर आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जैसे एक मैसेज है आपको कुछ बात बताने के लिए, या फिर कोई जॉब है वहाँ से आपको ऑफर लेटर आने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन चीज़ें हो रही हैं। दी एम्परर कार्ड यहाँ पर आया है, कोई और पर्सन भी यहाँ पर दिख रहा है, देखते हैं। जस्टिस कार्ड, तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई और भी पर्सन है, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और जो ये जो नाइट ऑफ कप्स है, ये यहाँ पर इस चेयर पे बैठा हुआ है, रोजेस इसके पास है, और यहाँ पे एक लंच भी यहाँ पर दिख रहा है, मैसेज भी है। तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन वो आपके यहाँ पर डिसीजन का वेट कर रहा है कि आप यहाँ पर डिसीजन लें, आप यहाँ पर डिसीजन लें और आप आएँ। तो यहाँ पर कोई वेट तो आपका कर रहा है, कोई जॉब भी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे किसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई है यहाँ पर, दी एम्परर है, तो इस पर्सन के अप्रूवल के बाद ही आप ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जो जस्टिस कार्ड आया है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आप स्माइल कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें आप थोड़ा सीरियस हैं। तो यही आपके साथ हो रहा है, जो आप चाहती हैं वैसी लाइफ आप नहीं जी पा रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन कोई एम्परर है जिसकी वजह से आप उस डिसीजन को नहीं ले पा रही हैं, मतलब आप अपने डिसीजंस नहीं ले पा रही हैं, ये यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम है। यूनिवर्स यही कह रहा है आने वाले समय में आप कोई डिसीजन लेना चाहती हैं, लेकिन करंट सिचुएशन की वजह से आप जो डिसीजन नहीं ले पा रही हैं उसको आप फाइनली यहाँ पर लेंगी, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स है, इसलिए आप यहाँ पर डिसीजन लेंगी, चीज़ें यहाँ बदलने वाली हैं, ये आपको मैसेज है यूनिवर्स का। क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन काफ़ी समय से आप नहीं ले पा रही थी, वो डिसीजन यहाँ पर आप लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो ये एम्परर है जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले रही थी, फाइनली आप डिसीजन ले रही हैं, यूनिवर्स तो यही बता रहा है, लेकिन देखते हैं कि एम्परर का यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप कहीं जॉब करना चाहती हैं और आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही है, आप फाइनली कहते हैं कि नहीं मुझे करनी है, वहीं पर जॉब करनी है, तो क्या आपकी फैमिली यानी कि जो ये एम्परर है ये इस बात को एग्री करेगा? देखिए यहाँ पर आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर आप देखिए एक दरवाज़ा है और यहाँ पे चाबी भी है, समझ रहे हैं? मतलब ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जो खजाना है, दरवाज़ा है जो, ये यहाँ पे चाबी भी है, लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एम्परर आपको यहाँ पर रोक रहा था, अगर हम इस रियलिटी को समझे तो इस एम्परर ने आपको कभी रोका ही नहीं, मतलब चाहे जॉब हो चाहे जो भी आप करना चाहती हैं, तो ये पर्सन जो है ये यहाँ पे अथॉरिटी में ज़रूर है, लेकिन ये आपको रोका नहीं है इस पर्सन ने। ऐसा इसलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर चाबी है, आप जा सकती हैं, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, लेकिन ये आपका खुद का डिसीजन था जो अभी तक आप अपने डिसीजंस नहीं ले रही थी, ये आपका खुद का डिसीजन था, तो इस एम्परर ने आपको नहीं रोका, ये हमें यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। ये आपका डिसीजन था, चाबी यहाँ थी, आप जा सकती थी लेकिन आप नहीं गई, आप ये जॉब ज्वाइन कर सकती थी आप नहीं गई, आप इस पर्सन से शादी कर सकती थी आपने नहीं की, तो इट वाज योर डिसीजन। में भी आपको लगता था कि जो ये एम्परर है उसको इससे दुख होगा या कोई प्रॉब्लम होगी या फैमिली खुश नहीं होगी, तो यहाँ पर आप कोई चीज़ सोच रही थी। देखिए यहाँ मैसेज क्या है आपके लिए, यहाँ मैसेज है कि आपको बैलेंस करनी होगी चीज़ें, आपको यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना होगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अगर जॉब ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपको अपनी फैमिली और अपना जॉब दोनों को मैनेज करना होगा। अगर आप शादी करना चाहती हैं किसी से और आपकी फैमिली को आपको लग रहा था कि आपकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, तो आपको फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर के तब आगे डिसीजन लेना होगा। तो यहाँ पर बस बैलेंस करनी है आपको चीज़ें, और कोई आपको यहाँ पर रोक नहीं रहा है, ये आपका खुद का एक थॉट प्रोसेस था कि शायद फैमिली नाराज़ हो, शायद मेरे हस्बैंड जॉब ना करने दे, तो ये आप खुद सोच रही थी। आप यहाँ पर देख सकती हैं, आप यहाँ बैठी हुई हैं, चाबी रखी है, नहीं जा रही हैं, आप देख भी नहीं रही हैं, तो ये खुद अपने क्रिएटेड थॉट्स है। यही मैसेज है आपके लिए, उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।